हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है, कार्यपत्रक जिसको आप बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। उसका जो नंबर है वो है 25 25, और जो हमारी तिथि है वो है 22 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकबरी लोटा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्लीज़ हिट कर लेना। अब चलते हैं हमारा अपना चैप्टर पढ़ने, अकबरी लोटा। आपको पहले बता दूं कि शुरू में क्या होता है, एक जो लाला लाला झाऊलाल होते हैं उनकी जो वो उनकी मतलब आर्थिक स्थिति सही होती है, उनकी एक दिन उनकी जो पत्नी होती है उनसे कहती है कि मुझे 250 रुपये दे दीजिए। तो उसी बात पे ये हमारी पूरी चर्चा चल रही है कि वो 250 रुपये वो इंतज़ाम नहीं कर पाते, तो उसके आगे का हम चैप्टर पढ़ते हैं फिर। ठीक है, वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास, ये मतलब ये जो आपका संदर्भ लिखना है पानी तो ज़रूर लाई, ये लाला झाऊलाल क्या है अपने नौकर से पानी मंगवाते हैं, लेकिन वो पानी वो ना ला के उनकी पत्नी ले आती है। तो उसी बात पे आगे चल रही है ये बात कि वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई। मतलब क्या है, वो सिर्फ क्या है लोटा लेके आ गई पानी लेके। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला लाजपत को, लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, मतलब एक तो वो लोटे में पानी ले आई और गिलास लाई नहीं, दूसरा लोटा भी वो लाई जो लाला झाऊलाल को पसंद ही नहीं था। तो नया साल 2 साल का ही बना कर कुछ ऐसी ढंग उस लोटे ने की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्ला हो रही थी। मतलब वो ऐसा, मतलब एक तो साल में इतना बुरा सा हो गया था वो। फिर क्या होता है कि लाला ने लोटे के लिए जो लाला था उसने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब क्या होता है, मतलब उनका क्या है लिहाज रखते थे या सम्मान बोल लो, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि पति को या पत्नी को एक दूसरे के क्या है बात माननी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्या हमारी सभ्यता होती है। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह किसका पति, वो कैसा पति। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। मतलब वो कहता है कि अगर मैं अब कुछ करूँ कहूँगा चूँचा कि तुम इसमें क्यों लाई, उसमें क्यों नहीं लाई, गिलास क्यों नहीं लाई, वो क्यों नहीं लाई, तो क्या है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये ना हो कि मुझे खाना ही ये बाल्टी में दे दे, फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब क्या है आगे कि लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगी। उस समय वे छत की मुंडेरी के पास ही खड़े थे, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या नियम बनाए, ये जो नियम बनाए थे कि हमें क्या खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, जो हमें क्या है हमें बैठ के ही पानी पीना चाहिए। तो आप भी अपने घर में सुनते होंगे, जब आप खड़े होकर पानी पी रहे होते होंगे तो आपकी जो मम्मी हैं या दादी हैं वो कहती होंगी बेटा बैठ जाओ, बैठ के पानी पियो, और क्या सोते समय पानी ना पियो, क्योंकि जब इसका साइंटिफिक क्या है कि अगर आप पानी पियेंगे तो आपको क्या टॉयलेट जाना पड़ेगा, इससे आपकी नींद ख़राब होगी। कई बच्चे होते हैं बता नहीं पाते, वो बिस्तर में ही कर देते, इस वजह से ही ये नियम हमारे बनाए गए थे। और क्या था नियम कि दौड़ने के बाद पानी ना पियो, तो ये हमारे जो नियम बनाए गए थे ये हमें वैसे फॉलो हमें करना चाहिए। तो ये जो हमारे नियम थे उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेरी के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा, मतलब ये नियम तो उन्होंने बना दिए लेकिन ये भी उनको बनाना चाहिए था कि मुंडेरी पे, भाई मुंडेरी पे क्यों मना किया गया है, क्योंकि मुंडेरी बाइजेंस हो सकता है उनका पैर फिसल जाए या वो गिर जाए, इस वजह से वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट पड़ा। इसी वजह से मना करते कि मुंडेरे पे मत पियो। ठीक है, तो और लोटा उनका छूट गया। लोटे ने दाई देखा ना बाई, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो हम कुछ मतलब गिर जाता है सामान, हम ढूंढते फिरते लेकिन हमें दिखता नहीं, इसी तरीके से लाला झाऊलाल के साथ हुआ। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी, कहा ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में ही थी। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो इसको न्यूटन के बारे में बता रखा है कि न्यूटन जी ने गति के जो नियम दिए थे वो, और ये भी कहा था कि उन्होंने जो कि हर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया था न्यूटन जी ने कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो क्या हर चीज़ को अपनी ओर क्या है आकर्षित करती है, वो ही इसी बारे में बात हो रही है आपकी। ठीक है, अब हमने ये पूरा अपना जो वर्कशीट में हमारा जो हमारा गद्यांश है पढ़ लिया, अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं कि अदब माने लिहाज होता है,
गड़न मतलब बनावट होती है, उसकी ओझल माने गायब होना, खुराफाती शरारती, और ईजाद मतलब खोज करना। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं अब कि लाला झाओलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाला झाओलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से इसलिए ले लिया क्योंकि ये बिरला लिया है क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। सबसे पहले तो बात यह है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, सम्मान लिख लो या लिहाज लिख लो, और उन्हें यह भी डर था कि अगर मना कर दिया तो अगली बार कहीं भोजन उन्हें बाल्टी में ही ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से आप उतार लें वो भी समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी पीने के लिए बुजुर्गों ने कौन कौन से नियम बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे, ये नियम है कि खड़े पानी ना पियो पहला, सोते समय पानी ना पियो दूसरा, और दौड़ने के बाद पानी ना पियो। तो ये हमारे तीन है, हमारे बुजुर्गों ने ये नियम बनाए थे, उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए। और है कि आप न्यूटन के नियमों के बारे में क्या जानते हैं, ये भी आपके लिखा है कि हम न्यूटन के नियम के बारे में ये जानते हैं कि सर न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए। क्योंकि बच्चों अभी तक आपने इतना ही पढ़ा होगा, इसके और भी नियम है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि हर चीज़ क्या है, नीचे ही खींचती है, एक्शन रिएक्शन, ये मतलब आप लेकिन इतना ही लिखो कि उन्होंने इतना तीन जो नियम थे वो बताए थे। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, गतिविधि, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपकी नापसंद है, बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाँ मुझे रसोई में रखे एक दो बर्तन पसंद नहीं हैं। एक तो है चम्मच, ठीक है, एक जो है चम्मच के बारे में बात हुई है जिसमें मुझे दवाई पिलाई जाती है और वो दवाई बहुत कड़वी होती है, इसी कारण ही क्या है उसे चम्मच पसंद नहीं है मुझे। मतलब दूसरा है कि मेरा दूध का गिलास जिसमें मुझे रोज़ दूध पीना होता है, जो मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चे ये हमारी, आप इसके अलावा कुछ जो आपको पसंद ना हो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ये हमारी 8th क्लास के बेटा हिंदी की वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी जो कोशिश है वो अच्छी लगी होगी। तो लाइक का बटन दबा के हमारी कोशिश को सराहिए, और बच्चे जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ हमारा चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हम जो भी वर्कशीट डालें, इसके अलावा हम इंग्लिश की डालते हैं, सामाजिक की डालते हैं, वो भी आप तक पहुंच पाए। और बच्चों जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं और जो हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारा वीडियोज़ देखा, हमारे चैनल को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मिलते हैं आगे की ऐसी ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। और बच्चों एक आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो आप हमेशा खुश रहिए, दूसरा बेटा COVID-19 बहुत ख़तरनाक है, प्लीज़ बच के रहिएगा और हमेशा खुश रहो, COVID-19 से बच के रहो, कहीं जाओ मास्क लगा के जाओ, दो गज दूरी का ध्यान रखो और अपने हाथ को नियमित रूप से धो। ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों। एक बात और बच्चों, हमने सिक्किम प्रोजेक्ट पर कुछ डाल रखा है तो वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।